वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं आईकिया, हमारे घर के लिए कुछ फर्नीचर की शॉपिंग करनी है। बहुत टाइम से पेंडिंग था। संडे है, 11 बज रहा है और चल पड़े हैं आईकिया के लिए। एक घंटा लगेगा पहुंचने में। लेट्स गो। हमने पार्क कर दिया है और अब हम पहुंच गए आईकिया। आज वेदर बहुत अच्छा है। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, जो स्वीडिश रेस्टोरेंट है वहाँ पे आ गए हैं लाइन में। हमने लंच वगैरह ब्रेकफास्ट किया ही नहीं था, तो वी आर श्योर टू ईट फर्स्ट एंड देन स्टार्ट शॉप। यहाँ साशा के लिए स्पार्कलिंग रास्पबेरी जूस लिया है एंड यहाँ कॉफी है। कॉफी इज फ्री बिकॉज़ वी आर आईकिया मेंबर्स। ओह, यू गॉट इट फॉर फ्री। ओके, नाइस, कॉफी फ्री मिला, ये। हाउ इज इट साशा? गुड। मैश्ड पोटैटोस, ग्रीन पीस और मीट बॉल्स है। यहाँ मैक एंड चीज एंड एक बर्गर है और ये सिनेमन स्कोन है। ये बहुत अमेरिकन पेस्ट्री टाइप्स है। डू इट एंड कम। आई गो एंड या यू आर इन अ मिशन टू गेट अ कार्ट। ओके, आई एम इन द मिशन टू गेट अ कार्ट। कार्ट मुझे मिशन अकम्प्लिश्ड। मैं ऊपर से ये नीचे सीढ़ियों से आई और मिल गया मुझे कार्ट। ये नीचे एरिया पूरा किचन एरिया है, यहाँ बाद में आएंगे। बहुत ही बड़ा है, मैं अकेली हूँ इस पूरे लिफ्ट में। वाओ, इतना बड़ा लिफ्ट है। चलो कार्ट लेके अपनी फैमिली को ढूंढती हूँ। इसे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अभी। अच्छा मम्मी, आई लाइक दिस। हाँ यार, लुक एट दिस लिविंग रूम का। मेक अस बेडरूम। नहीं, आई मीन यू गेट आइडिया ऑल्सो ना कि कैसा। कवर्ड टीवी, कंसोल, बट फायर प्लेस नहीं है ना। मुझे वो फायर प्लेस वाला कंसोल चाहिए। ब्लेजर एंड ऑल ना, कैन कीप इट इनसाइड दिस सो इट वोंट गेट डस्टी। उसके अंदर ऑलरेडी जिप है, वो दिस थिंग इज देयर। और अच्छा यार, ये लेना ही चाहिए हम लोग को। यू नीड टेक अ पिक्चर इफ यू वांट सम। आई विल टेक। मैं भी वीडियो ले रही हूं। एक बेडरूम का सैंपल है और ये देखो, ये एग्जैक्टली वैसा है जैसे हमारा बेडरूम है। बेडरूम से हमारा जो अंदर का ऑफिस निकलता है, ये सिर्फ यहाँ पे स्लाइडिंग डोर है। और देखो यहाँ कौन बैठा है। हम घर से ये मेजरिंग टेप लेके आए हैं और हमने अपने घर में भी पहले मेजर कर लिए थे वॉल्स को कि कितना विथ है, कितना लेंथ है। हम काउच तो ले चुके हैं, लेकिन हमें लेने हैं कुशंस। फाइनली मुझे एक लंबा नहीं मिला क्या? वेट, ये लाइट बहुत अच्छा है। हम लोग चेक कर रहे हैं अगर हम ये ले सकते हैं। वन लेग, नॉट दिस फोर लेग। अरे व्हाई विल इट, हाउ विल इट स्टैंड इफ वी डोंट हैव? नो, बट वन लेग इंसटेड ऑफ अ प्लांट, यू कैन कीप दिस। अच्छा, तो हम लोग एक, अब क्या ले रहे हैं हम लोग? सेंटर टेबल फॉर बेसमेंट काउच के सामने रखने के लिए। बुक केस ले रहे हैं एंड यहाँ से पिक्चर लेके हम लोग नीचे जाएंगे और वेयर हाउस से पिक करेंगे जो हमें लेके जाना है। ये ऐसे ही नहीं मिलेगा, हमें असेंबल करना पड़ेगा घर ले जाके। सेक्शन में आए हैं और ये ले रहे हैं ऐसे ऑर्गेनाइजर्स किचन के अंदर रखने के लिए। हम लोग ये फ्लोर प्रोटेक्टर मैट लेने वाले हैं। यहाँ पे मेरे और साशा के स्टडी टेबल और वर्क फ्रॉम होम टेबल के नीचे रखने के लिए, बिकॉज विवेक जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे तो कारपेट है, ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग है। हैं वॉक इन क्लॉजेट के अंदर रखने के लिए ये वाला क्लॉजेट। ये भी अच्छा है, बट ये इसमें वाइड है, 6 ड्रॉर्स एंड इसमें है 4+6, ये भी 6 ही है एक्चुअली। दैट इज वाइड, वाइड। हाँ, हमें वॉकिंग क्लोजेट के लिए अंदर ये डालना है। लोग ये वाला वार्डरोब ले लेंगे।
ये एक काफ़ी होगा हमारे लिए। 496 का है। तो क्या मिला मुझे? इंडियन प्रेशर कुकर। अब आई क्या बनाने लग गया है, वूहू, अब मुझे इंडिया से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग एंटर कर चुके हैं यहाँ वेयर हाउस में। दिस इज़ द वेयर हाउस प्लेस जहाँ से हमने जो भी मार्क किया था। अरे बाप रे, बहुत बच्चे चिल्ला रहे हैं यहाँ पर। ओह माय गॉड, लाइक सीरियसली। यहाँ से पिक कर सकते हैं जो भी हमने मार्क करके रखा था और अपनी गाड़ी में लोड करके लेके जा सकते हैं। बट हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग सब ऑनलाइन ऑर्डर करने वाले हैं, बिकॉज एक साथ डिलीवरी चार्जेस लगेंगे। सो हम लोग चेकिंग लाइन में हैं, बहुत सामान है हमारे पास। ओह माय गॉड, तो दोस्तों घर वापस आने के बाद आइकिया का जो सामान था वो मैंने एक जगह पैक करके रख दिया था एंड इनबॉक्स ही नहीं किया। तो लेट्स डू द अनबॉक्सिंग नाउ। इससे पहले मैं दिखाती हूँ मैं क्या लाई हूँ। ये है 4 कॉफ़ी मग्स। हम लोग के पास जो कॉफ़ी मग्स हैं वो काफ़ी यू नो डिफरेंट साइजेस के हैं, छोटे छोटे हैं। दीज आर रियली चीप, लाइक आइकिया में किचन का जो सामान है वो काफ़ी चीप मिलता है। थिंक ये पर $3 पर कप था। अगला आइटम है अगेन किचन का, फोर्क, नाइफ, स्मॉल स्पून्स एंड बिग स्पून्स। एक ये है सॉल्ट एंड पेपर शेकर। सॉल्ट बहुत सिंपल सा है, वी जस्ट वॉन्टेड टू कीप इट ऑन द डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल से आता है, डाइनिंग टेबल के लिए हम लोगों ने एक ये टिश्यूज़ रखने के लिए, बिकॉज काफ़ी बार होता है कि पीपल लुक फॉर टिश्यूज़, तो ये टिश्यूज़ यहाँ पर रख देंगे। 2 बॉक्स ऑफ टिश्यूज़ लाई हूँ मैं, तो इसके अंदर डाल के आई कीप इट ऑन द डाइनिंग टेबल। ये चीज़ लाई हूँ मैं, ये देखो लेज़ी सूजन टाइप। तो अगर इसको मैं यहाँ रखती हूँ, तो अगर मैं सॉल्ट पेपर को ऐसे रखती हूँ और ऐसे हम घुमा सकते हैं उसको। तो मेरे पास अभी ऐसे हैं ग्लासेस चाय पीने के लिए, पानी पीने के लिए, बेसिकली पानी पीने के लिए, जो कि बहुत छोटे साइज थे। ये भी आइकिया से ही लिए थे हमने। लिया ये ऐसे। हाउ मेनी पीसेस, आई थिंक 6 पीसेस है इसमें भी। मेरा जो सेटअप वो पूरा हो गया है। इसमें देंगे पानी, इसमें देंगे जूस। बहुत इंडियन जैसा है, बट ये एक्चुअली आइकिया स्वीडन का है ना, तो वो लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। ये बहुत कॉमन ग्लास है, ऑलमोस्ट एवरीवन यूजेस दिस। साशा के रूम में लाइट्स लगाना था, लाइक थोड़े से स्ट्रिंग लाइट्स, तो ये वाले लाइट्स हम लाए हैं, ये ऐसे वाले 3 लाइट्स लाए हैं। लाई हूँ मैं ये, बहुत अजीब चीज़ है, दिखाती हूँ क्या है ये। ये देखो, ये है कवर कप्स, टी जैसे हो गया या कुछ भी हो गया आपने खोल के रखा हुआ है, उसको ढकने के लिए ये सिलिकॉन का, ये ऐसे ऐसे चिपक जाता है। तो ये ऐसे इसमें 3 है। ये मैं गार्लिक मैशर लाई हूँ, लाइक गार्लिक स्क्वीज करके निकाल देगा ये। एक ये मैं लैम्प लाई हूँ, जो कि ऑलरेडी थोड़ा बहुत मेरे हस्बैंड ने खोल लिया था। तो ये ऐसा दिखेगा इसको असेंबल करने के बाद। आई विल शो यू जब ये असेंबल हो जाएगा। यहाँ पे ये रॉड और ये सब है इसका सामान। ये ऐसा दिखेगा, जैसे कपड़े का नहीं होता वैसा। IKEA से और एक चीज़ ली है हमने, ये है हमारा डाइनिंग टेबल का चेयर। और चेयर पे जो कुशन है ये ऐसे चिपक जाता है, देखो आप ऐसे दोनों तरफ से आप चिपका दो। तो 4 चेयर्स के लिए 4 ऐसे कुशंस लिए हैं। यहाँ पे है ये थ्रो जो ढकने के लिए काम आएगा, हल्का सा थ्रो है। मेरे पास है थोड़े बहुत, ये लिए थे, साशा का स्कूल खुलने वाला है तो जिप लॉक्स लिए हैं डिफरेंट साइजेस के। ये भी है एक है। मैं लाई हूँ पर्दे, आई डोंट नो कैसे लगेंगे वहाँ पे, लाइक आई वॉन्टेड न्यूट्रल कलर्स, बट अभी देखते हैं ये कैसा लगता है। एक ये जूसर लाई हूँ मैनुअली जूसिंग करने के लिए। ये ऑर्गेनाइजर लाई हूँ फॉर स्पून्स, फोर्क्स, कटलरी। ये काफ़ी बड़े साइज में है। आई एम होपिंग कि मेरे यू नो शेल्फ के अंदर, ड्रॉर्स के अंदर जाए। मैंने मेजरमेंट नहीं लिया था व्हेन आई बॉट दिस,
ये लाई हूँ, चार पोस्टर्स लाई हूँ ऐसे सर्कुलर डाइनिंग टेबल के लिए। लास्ट आइटम है ये। तो हम लोग यहाँ रहते हैं ईस्ट कोस्ट में, काफ़ी ठंड होती है यूएस में। यूजुअली लोग घर पे कपड़े जो है ड्रायर में सुखाते हैं, बाहर नहीं टांगते हैं। इट्स नॉट अ कल्चर कि आप कपड़े बाहर यू नो टांग दें, एयर ड्राई कर दें। इट्स जस्ट नॉट द कल्चर, ड्रायर में ही करते हैं। बट अंडर गारमेंट्स वगैरह ड्रायर में देने से पूरा ख़राब हो जाता है। सो आई गॉट माई सेल्फ एन एयर ड्रायर, लेकिन ये स्टैंड है, इस पर बस डाल दूँगी। एंड दिस वॉज फॉर अबाउट $20। यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं। ये मैं अपने सनरूम में रखूँगी, आप लोगों ने मेरा सनरूम देखा होगा। पे रखने से ना बाहर के लोगों को प्रॉब्लम होगी ना मुझे प्रॉब्लम होगी। आलू और प्याज रखने का कंटेनर लाई हूँ आइकिया से, दैट्स अबाउट इट। तो मुझे कमेंट्स में बताइए आपको ये आइकिया शॉपिंग विजिट एंड हॉल कैसा लगा। इफ़ यू वॉन्ट टू सी मोर ऑफ सच वीडियोज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैटर्जी डायरीज, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय फॉर नाउ।